एवरी वन वेलकम टू क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर नंबर इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पहले तो लास्ट पोर्शन जो हमारा इस एफ एम के चैप्टर का रह गया था जिसमें रीजनल वेरिएशन थोड़ा वेरिएशनशिप को लेकर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज अ सोशल चेंज हम वो स्टार्ट करेंगे एंड दैट वुड बी द लास्ट चैप्टर ऑफ योर यूनिट वन ठीक है कुछ दिनों के बाद मैं क्या करूँगी आपके लिए दो दो वीडियोज लेके आऊंगी जिसमें हम थोड़ा साइड बाई साइड जो स्कीम्स वगैरह हैं वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है फुल चैप्टर का आ, फैमिली मैरिज एंड किनशिप का ठीक है तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की तो वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करें वहाँ मैं रेगुलरली जो भी मटेरियल आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो अपलोड करती रहूंगी तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो से फैमिली मैरिज एंड किनशिप हमारा ऑलमोस्ट कवर है बस किनशिप का एक पॉइंट सिर्फ एक पोर्शन सिर्फ रह गया है एक सब टॉपिक वो हम यहाँ देखेंगे पर उससे पहले एक दो टर्म्स जो मैंने इसमें ऐड की थी वो हम पहले मैं आपको बताती हूँ एक होता है हमने क्लासिफिकेटरी किन्स वगैरह वो सारे किन्स हमने देख लिए थे डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिकेटरी और एक टर्म यहाँ पर डेरेवेटिव किन्स वो क्या होता है विच इज कम्पाउंडेड फ्रॉम एन एलिमेंट्री टर्म ठीक है तो वो मिला हुआ होता है किसी दूसरे किन से आपके रिलेशन फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सिस्टर है वो आपकी किन है तो सिस्टर के जो हस्बैंड है तो वो डेरिवेटिव हुआ ना वो आपका बहनोई बन गया वो डेराइव हुआ है आपकी बहन के रिलेशन से तो उसको डेरिवेटिव बोलते हैं या आपके खालू हो गई या आपकी चाची हो गई तो वो कौन से किन्स होते हैं आपके डेरिवेटिव मैंने आपको कल कहा था पेट्रीलिनियल किन्स को हम क्या बोलते हैं एग्नेट्स ठीक है वैसे ही मेट्रलिनियल किन्स के लिए नाम है यूटेरिन तो ये ऐसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज हैं तो ये आपको जरूर याद रखनी है मेट्रेलिनियल किन्स को हम बोलते हैं यूटेरिन एंड पेट्रेलिनियल किन्स को हम बोलते हैं एग्नेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे रीजनल वेरिएशन इन किनशिप सिस्टम ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट हमें डॉक्टर इरावती कारवे ने दिया था ये नाम याद रख लेना इन्होंने रीजनल पैटर्न दिया था किनशिप का उसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया जो है उसको इन्होंने डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया था ठीक है तो ऐसे करके अगर आप मैप आ, से मैं आपको थोड़ा ये बताऊँ एक रफ डायग्राम तो इन्होंने इंडिया को क्या किया था अलग अलग जोन में डिवाइड किया था ये वाला जो पोर्शन है इसको हम नॉर्थ बोलते हैं ये आपका नॉर्दर्न जोन है ठीक है ये बीच में आपका एक सेंट्रल पार्ट आ गया सेंट्रल जोन एंड ये आपका साउथ पार्ट है साउथर्न जोन एंड दिस इज योर ईस्टर्न पार्ट अब जो ईस्टर्न पार्ट है इसमें मोस्टली आपके ट्राइबल्स वगैरह आ जाते हैं ठीक है ठीके? तो जो हमने मैरिज में डिस्कस किया है उसमें हमने ट्राइबल्स के बारे में डिस्कस किए तो वही सारे पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने होंगे वो हमने ऑलमोस्ट सारा कवर किया था ट्राइबल्स को हमने इन डिटेल मैरिज पार्ट में ही एक्सप्लेन किया था यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा नॉर्थ एंड साउथ एंड सेंटर का क्या पैटर्न है किनशिप पैटर्न तो कॉन्सेप्ट किसने दिया था इरावती कारवे ने ये नाम आपको याद रख लेना है तो पहले हम नॉर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं नॉर्थ में क्या होता है किन जूनियर टू ईगो आर एड्रेस बाय दियर पर्सनल नेम्स और जो सीनियर होते हैं टू ईगो बाय द किनशिप टर्म ईगो मैंने आपको कल भी कहा था जहां भी लिखा होगा इट मीनस यू ठीक है तो आपसे जो छोटे कजनस होते हैं आपके आपके भाई बहन उनको आप डायरेक्टली नाम से बुलाते हो एंड आपसे जो बड़े होते हैं उनके लिए कोई किनशिप टर्म होगा ठीक है जैसे भैया दीदी करके आप उनको बुलाओगे यहाँ पे वही लिखे तो यहाँ पे क्या होता है और आ, ये नॉर्दर्न पार्ट हुआ तो कश्मीर भी नॉर्थ में ही आता है तो यहाँ का भी जो किंचे पैटर्न है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर यही देखने को मिलेगा एक्सेप्ट फॉर मैरिज पार्ट और क्या होता है जो बच्चे होते हैं दे आर इक्वेटेड विद वंस ओन सिबलिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके जो भाई बहनों के जो बच्चे होते हैं वो भी आपको अपने बच्चे लगते हैं एंड ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन सिबलिंग ग्रुप आर अगेन इक्वेटेड विद वंस ओन चिल्ड्रन ठीक है आप भाई बहन भी आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है ओन सिबलिंग्स एंड उन सिबलिंग्स के जो बच्चे हैं वो वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो अपने बच्चों जैसे हैं

जितना हम सेम जनरेशन जितना हम सेम एज ग्रुप के साथ मिलते हैं उतना हम अपने जो थोड़े एक दो साल बड़े होंगे हमारे या दो तीन साल बड़े काजन होंगे या भाई बहन होंगे उनके साथ थोड़ा सा हमारा एक डिस्टेंस रहता है द ड्यूटीज एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ मेम्बर्स ऑफ थ्री आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड ठीक है आपके तीन जनरेशन मान लो एक तो आपके आपकी जनरेशन हो गई आपकी सिबलिंग्स वगैरह ओन सिबलिंग्स एंड आपके फादर वो फादर मदर पेरेंट्स वाली जनरेशन एंड उनके पेरेंट्स वाली जनरेशन दैट मीन जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो इनके जो बिहेवियर पैटर्न होते हैं वो अलग होते हैं आप अपने सिबलिंग को बोल सकते हो मेरे लिए पानी का गिलास लाओ आप अपने फादर को नहीं बोल सकते चलो मदर को बोल सकते हो देन आप अपने दादू को नहीं बोल सकते ठीक है तो हर जनरेशन का जो मेंबर होगा आपके फैमिली में प्रेजेंट उनका एक अकॉर्डिंगली बिहेवियर पैटर्न होगा और जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर मोर और लेस हर फैमिली में वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कुछ एंशंट किनशिप टर्म्स थी जिनका संस्कृत ऑरिजन था दे हैव बिन रिप्लेस्ड बाय न्यू टर्म्स कहाँ पे नॉर्थ में फॉर एग्जांपल पितामा बोला जाता था फादर को संस्कृत में अब क्या बोला जाता है पिता तो आपने रखा लेकिन उसके साथ आपने सफिक्स ऐड कर दिया जी तो पितामा की जगह आपने पिताजी यूज किया तो बोलने का क्या मतलब है कुछ टर्म्स हैं जिनका संस्कृत ऑरिजन था बेसिक एंशियंट टाइम से जो आए थे एंशियन किनशिप टर्म्स उनको रिप्लेस किया गया है बाय न्यू टर्म्स ठीक है बंगाल में इंस्टेड ऑफ जी जैसे हम यहाँ सफेक्स ऐड करते हैं जी बंगाल में मशाए ऐड करते हैं आपने सुना होगा बाबू मशाए करके बंगालीज़ जो है वो ऐसे करके वर्ड्स यूज करते हैं और जो सफेक्स जी है ये ऐड होता है टू द किनशिप टर्म्स यूज फॉर किन ओल्डर देन द स्पीकर जो आपसे बड़े होंगे आप यूजुअली उनको जी करके एड्रेस करते हो जैसे चाचा जी ताया जी वगैरह मैरिज अमंग क्लोज किन इज़ नॉट परमिटेड अब मैंने आपको कहा था जैसे कश्मीर नॉर्दर्न पार्ट है तो मेजॉरिटी uh, इसका जो रूल्स है किनशिप रूल्स वो नॉर्दर्न जोन का सेम है एक्सेप्ट यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम्स हैं यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी और मुस्लिम्स में क्या होता है कज़न मैरिज अलाउड है मैंने आपको दो टाइप की कही थी क्रॉस कज़न एंड पैरल कज़न ठीक है जो साउथ है वहाँ पर सिर्फ क्रॉस कजन अलाउड है पैरल कजन नहीं है लेकिन अमंग मुस्लिम्स आपको दोनों टाइप ऑफ मैरिजेस जो है वो मिल जाएंगी लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ इंडिया में बाकी जितने भी लोग हैं एक्सेप्ट मुस्लिम वहां पे क्रॉस क्रॉस पैरल दोनों कोई भी टाइप की काजन मैरिज अलाउड नहीं है आफ्टर मैरिज गर्ल इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी फ्री विद हर पेरेंट्स इन लॉ बट वेन शी बिकम्स ए मदर वो अचीव करती है पोजिशन ऑफ रेस्पेक्ट एंड पावर एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन हर ओन ऑन हर आर्ट लेसन ठीक है सिर्फ बहू को उतनी रिलैक्सेशन नहीं है लेकिन जब वो माँ बनती है उसी घर में उसका बेबी आता है तो माँ की थोड़ा स्टेटस वैल्यू उस फैमिली में बढ़ जाता है Are जो children, parents, they live or भी रह रहे हैं दैट मीनस अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं तो भी आप उनका ख्याल जो आपके पेरेंट्स है वो उनका ख्याल रखते हैं अगर वो गाँव में रह रहे हैं आप सिटीज में रह रहे हो या आप वो एक सिटी में रहते हैं आप दूसरे सिटी में रह रहे हो तो भी ऐसा होता है ना कोई फेस्टिवल होगा आप उनके बगैर सेलिब्रेट नहीं करोगे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होगा या कोई इंपॉर्टेंट मशवरा लेना होगा पहले आपके फादर अपने पेरेंट्स को कॉल करेंगे पूछने के लिए तो अगर जॉइंट फैमिली नहीं है इंडिया में ज़्यादा अब ख़त्म हो रही है न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं लेकिन जो जॉइंटनेस है फैमिलीज़ के बीच में वो अभी भी कहीं ना कहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंस जो है पेरेंट्स की वो कम नहीं हो रही है अपार्ट फ्रॉम ज्वाइंट फैमिली जो आपके इमीजिएट क्लोज नियरेस्ट सर्कल ऑफ रिलेशन है एक आपका बड़ा सर्कल ऑफ किन भी होता है जिसमें फिर आपके कजन सेकेंड कजन वगैरह आते हैं उनको हम बोलते हैं किनरेड ठीक है तो ये भी इंसान की लाइफ में नॉर्थ uh, इंडिया में खासकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो किनरेड टर्म भी याद रख लेना ये हम किन को बोलते हैं आगे चलते हैं सेंट्रल जोन की तरफ एवरी रीजन जो है फॉलोज नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडियन प्रैक्टिस यहाँ भी चलती हैं दैट इज़ कॉन्सनग्युनिटी इज अ मेन कंसिड्रेशन विच रूल्स मैरिज ठीक है is, is marriage, तो ब्लड यूजली आपकी शादी कौन करवाता है जो आपके पेरेंट्स होते हैं तो जो कंसनग्यूनिटी होती है वो शादी के टाइम पे भी मेजर रोल प्ले करती है क्योंकि आपके पेरेंट्स को पहले पसंद आना चाहिए आप किस का शादी कर रहे हो कास्ट जो है वो एक्जो गेम्स में डिवाइड होता है ठीक है एक्जो क्या होता है जो शादी करते हैं अपने ग्रुप के बाहर दैट मीन अपने क्लैन के बाहर जो शादी करते हैं क्लैन मैंने आपको कल भी कहा था जब आप एनसेस्ट्री ट्रेस करते हो किसी मेथिकल फिगर मेथिकल एनसेस्टर के साथ जिसको हिंदू हिंदू क्या बोलते हैं हायरार्की ठीक है हाइपरगेमस पता है उसका दूसरा नाम क्या है अनुलोमा हाइपरगैमस वो होता है जहां हस्बैंड हाई कास्ट का होगा मेल एंड फीमेल जो होंगी वो लो कास्ट की होंगी किंग्सिप टर्मिनोलॉजी शो इंटीमसी एंड क्लोजनेस बिटवीन वेरियस किन्स जो रिलेशनशिप बिटवीन किंग्स हैं दी आर गवर्न बाई द कस्टम ऑफ न्यूता गिफ्ट्स कि अगर आपको गिफ्ट दिया जाएगा तो आपको इक्वलेंट रिटर्न गिफ्ट भी देना होता है ये तो यहाँ पे भी फॉलो होता है एंड एक न्योता रजिस्ट्रीन मेंटेन होती है इसको न्योता रजिस्टर भी आप बोल सकते हो ये कुछ नहीं है सिंपली आपकी वर्ताव डायरी है कि इसने इतना वर्ताव किया था मुझे भी इतना करना है ये वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे गुजरात में जो ममेरा टाइप कजन है कजन मैरिज है और लेवरेट मैरेजेस हैं वो दोनों प्रैक्टिस होती है। हैं ठीक है ममीरा काजन भी एंड लेवरेट लेवरेट मैंने आपको पढ़ाया था लेवरेट एंड सोलोरेट अगर आपको याद होगा ठीक है अगर याद होगा तो वेरी गुड दैट मीन्स आर ऑन द राइट ट्रैक अगर याद नहीं होगा तो रिवाइज करो साथ साथ लेवरेट होता है जिसमें देवर एंड बाबी की शादी होती है फाइन अगर जब आपके हस्बैंड या तो हस्बैंड की डेथ हुई होती है उस लेडी की या तो वो हस्बैंड इनफर्टाइल होते हैं मोस्ट ऑफ़ द केसेस में हस्बैंड की डेथ हुई होती है कस्टम ऑफ पीरियोडिक मैरेजेस इन गुजरात हैज लेट टू चाइल्ड मैरिजेस पीरियॉडिक मैरेजेस होते हैं आप सेमनीस आदि कर लो बाद में जो लड़की वहाँ जाती है लड़के के घर वो कुछ टाइम के बाद जाती है तो आप बचपन में ही शादी तय कर लेते हो और बाकी सारी जो रीति रिवाज होते हैं वो कुछ टाइम के बाद होते हैं तो उनको पीरियोडिक मैरेजेस कहते हैं इसकी वजह से क्या होता है चाइल्ड मैरेजेज ऑन राइज होती है एंड इवन इट इज प्रैक्टिस टूडे इन गुजरात आगे देखते हैं हम साउद साउदर्न जोन जो है इसमें पेट्रीलिनियल एंड पेट्रीलोकल पेट्रीलोकल फैमिलीज भी हैं फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ फॉलो होता है, है? नंबूदारी ब्राह्मण्स में मैंने आपको कल भी आ, कल आई गेस या पहले हमने ये पढ़ा है नंबूदारी ब्राह्मण्स में फॉलो होता है एंड जो मेट्रीलिनियल मेट्रीलोकल है वो नायर्स में होता है ऑफ मालाबार दैट इज ए केरला वाला एरिया ठीक है तो जो इनका हाउस होल्ड यूनिट है उसको इलोम बोलते हैं नम्बुदारी का एंड जो आपका ये मेट्रीलिनियल वाला है उसको हम थारावत बोलते हैं तो ये भी याद रख लेना सिमिलरली सिमिलरलीयर आर सम कास्ट एंड ट्राइब्स जो प्रैक्टिस करती है ओनली पॉलेगा पॉलेगा यू नो मेनी फीमेल्स एंड वन मेल एंड येट अदर्स हु प्रैक्टिस बोथ पॉलेगा एंड पॉली एंड्री फॉर एग्जाम्पल टोडास एंड यहां पर कौन से हो गए असारी एंड नायर्स तो ये सारी आप एग्जाम्पल्स याद रख लेना उनके ट्राइब्स के नाम के साथ अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं साउथ एंड नॉर्थ में रूल्स ऑफ मैरेज नॉर्थ इंडिया में नेगेटिव रूल्स है दट मीन नेगेटिव रूल्स आपको बताता है कहाँ आप शादी नहीं कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल कजन्स में शादी नहीं हो सकती है तो वो नेगेटिव रूल हुआ साउथ में पॉजिटिव है क्योंकि कजन मैरिज अलाउड है लेकिन कौन सा वाला सिर्फ क्रॉस कजन और मुस्लिम्स में क्या है क्रॉस कजन एंड पैरल कजन दोनों अलाउड है एंडोगी एक्जोगेमी रूल्स भी डिफरेंट नॉर्थ इंडिया में हमें पता है क्या होता है वहाँ पे विज एग्जोगी प्रैक्टिस होती है इन कास्ट एंडोगी विलेज एग्जोगी मीन्स आप अपने विलेज के बाहर शादी करते हो फाइन इन कास्ट एंडोगी मीन्स विदिन द कास्ट आपको शादी करनी है लेकिन साउथ में क्या होता है देयर इज ऑलमोस्ट नो टेरिटोरियल एग्जोगी दैट मीन्स आप ज्यादा दूर अपने विज के बाहर लड़की को नहीं बेचते हो वहाँ पे विलेज एग्जोगी प्रैक्टिस नहीं होती है ऑलमोस्ट नील होती है ठीक है मेट्रीलोकल एंड पेट्रीलोकल इन साउथ इंडियन कास्ट लाइक नायर ट्रेडिशन ऑफ मेट्रीलोकल ये हमने अभी बताया ठीक है सिमिलरली अम खासी ट्राइब्स ऑफ मेघालिय मेट्रीलिनल एंड मेट्रीफोकल किनशिप इज पॉपुलर कल भी हमने बात की थी खासी ट्राइब की उसमें हमने क्या कहा था यंगेस्ट डॉटर जो है वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है यंगेस्ट डॉटर प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है फादर की उनको क्या बोलते हैं ककदू ही दुखी और ट्राइब्स पे मेघालिया में ठीक है ये भी आप याद रख लेना साउथ इंडिया में जो मैरेज मैरिज अलायसेज होती है अकर ऑलमोस्ट विद इन स्मॉल किन ग्रिप एंड ऑन दी रिलेशनशिप ऑन बोथ फादर्स एंड दी मा मदर्स साइड ठीक है तो इसमें स्मॉल किनग्रिप के विद ही शादी होती है क्योंकि इसमें आप कजन में भी शादी कर सकते हो इसमें आप आ अपने मामू के साथ भी मामू और मामू भतीजे की शादी भी इसमें अलाउड होती है तो क्लोजनेट फैमिली के बीच में ही आप पहले रिश्ता ढूंढना शुरू करते हो इधर फादर एंड मदर्स साइड ठीक है लेकिन ऑलमोस्ट दर इज नो टेरिटोरियल एग्जोगी आप ज्यादा दूर लड़की को नहीं भेजते हो किनशिप टर्मिनोलॉजी भी क्या होता है नॉर्थ में जो आपके शादी के वाले रिश्तेदार बनते हैं बाद में उनको आप अलग नाम से बुलाते हो एंड जो आपके ब्लड रिलेटेड किन्स होते हैं जो आपके गोइन किन्स होते हैं उनको आप अलग नाम से बुलाते हो तो नॉर्थ में सेपरेशन है ऑफ द किन रिलेटेड टू रिलेटेड बाय ब्लड और दोज रिलेटेड बाय मैरिज लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता है ऑलमोस्ट एक ही नाम आप बोलते हो चाहे वो रिलेशन आपका शादी के थ्रू बना हो या वो रिलेशन आपका बाय ब्लड बना हो तो अगर आपकी कोई एल्डर सिस्टर टाइप रिलेशन बनता है साउथ में एल्डर सिस्टर चाहे वो एल्डर सिस्टर आप मानो शादी के थ्रू आपका बना आपके हस्बैंड की एल्डर सिस्टर है या आपकी खुद की एल्डर सिस्टर है ठीक है तो हस्बैंड की एल्डर सिस्टर दैट मीन्स आपकी वो एफिनल किन हो गई शादी का रिलेशन है एंड आपकी खुद की है काजन वो तो कंसन गोइन किन हो गए वो आपके तो वो आपकी ब्लड रिलेटेड आपका आपकी सिबलिंग है फाइन तो जो एल्डर सिस्टर है उसको अक्का बोलते हैं साउथ में तो इरेस्पेक्टिव ऑफ क्या रिलेशन है वो शादी वाला रिलेशन है कि ब्लड रिलेशन है आप हर एल्डर सिस्टर को अक्का ही बुलाओगे तो वहाँ पे क्या होता है ये जो किनशिप uh, टर्मिनोलॉजी की जो डिफरेंस होती है शादी और ब्लड रिलेशन के बेसिस पे ये साउथ में नहीं होता लेकिन नॉर्थ में अलग होता है नॉर्थ में हम क्या बोलते हैं मेरी ननंद है एंड ये मेरी बहन है ठीक है ये मेरी भाभी है एंड ये मेरी ननंद है तो यहाँ पे शादी के रिलेशन के लिए अलग नाम है एंड आपके जो ब्लड वाले रिश्तेदार है आपके सिबलिंग्स है कजन है उनके लिए अलग नाम है ठीक है तो देखते हैं लास्ट हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है इस यूनिट का दिस इज योर सोशल चेंज सोशल चेंज थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ठीक है तो आपको इसमें दो चीजें मिल रही होंगी देखने के लिए एक तो आपका सोशल चेंज है तो इसमें हम पहले थोड़ा सोशल चेंज को लेके डिस्कस करेंगे सोशल चेंज क्या होता है उसके फीचर्स एंड कुछ थियोरीज वगैरह उसके बाद हमें देखना है इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे सोशल चेंज हुई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है उससे कैसे सोशल चेंज हुई एंड मॉडर्नाइजेशन से कैसे सोशल चेंज हुई तो ये डिमांड है आपके चैप्टर की ठीक है तो हम देखते हैं सोशल चेंज होता क्या है ठीक है जहां पे भी आप टर्म दो, देखोगे सोशल इसका मतलब होगा समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी फाइन तो इसमें हम यूजुअली बात करते हैं सोसाइटी के स्ट्रक्चर की सोसाइटी का कोई स्ट्रक्चर बना होता है कोई पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन या कोई सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूंगी सारा आपको एक क्या होता है पैटर्न ऑफ इंटरक्शन या सोशल रिलेशनशिप्स ठीक है तो स्ट्रक्चर क्या होता है सोसाइटी का बना हुआ सोसाइटी में कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एक फैमिली होगी सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी इकोनमी एक इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा ठीक है आपको रिलिजन देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी वगैरह काफी सारी चीजें होंगी सोसाइटी में जिसको हम बोलते हैं हैं इसने सोसाइटी 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 को ये ये को बिल्ड किया यूनिट्स के दैट ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं इन स्ट्रक्चर का कोई पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होता है फैमिली मेंबर्स का क्या इंटरेक्शन होगा ठीक आप है आपके वगैरह ये सारी चीजें जो इकोनॉमी रन कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके आपस में मेम्बर्स का कोई रिलेशनशिप होगा कोई पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होगा रिलीजन में होगा आपके रिलीजन में आपके टेंपल आते हैं मॉस्क आते हैं आपकी सेक्रेट टेक्स्ट्स आती हैं ठीक है या आपके प्रीस्ट मॉलवीज होते हैं तो उनके साथ आपका कोई पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होता है रिलेशनशिप होता है तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं या आपका प्लस कल्चर बिलीफ वैल्यूज ठीक है ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं एक सोसाइटी बनाते हैं तो वो सोसाइटी क्या होती है वो क्या वो सोसाइटी हमेशा के लिए सेम रहती है क्या वो स्टैटिक अनचेंजिंग सोसाइटी है स आज से बीस साल पहले या दस साल पहले मान लो हम रिसेंट uh, एग्जाम्पल लेते हैं सौ साल पीछे नहीं जाएंगे टेन ईयर्स बिफोर जो आपकी सोसाइटी थी क्या अभी भी वही सोसाइटी है नहीं काफी चेंजेस आने को मिलती है ना देखने को मिलती है चाहे वो चेंजेस कल्चर चेंज की वजह से हो चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से हो लेकिन हमें सोसाइटी में चेंज देखने को मिलती है कहाँ पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे थे और आज आपके पास स्कीम्स आती हैं स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड के लिए ताकि फीमेल फिटिसाइड ना हो ठीक है और लड़कियों को अपलिफ्टमेंट मिले वुमेन एम्पावरमेंट हो तो 20 साल पहले 25 साल पहले ये सारी बातें नहीं होती थी फाइन तो इससे हमें पता चलता है सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रही हैं और इन सब प्रोसेस को हम एक ग्रुप कर सकते हैं एक टर्म में सोशल चेंज की सोसाइटी में काफी ज्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं अब ये कोई डेफिनेशन है ये आप देख लो ये डेफिनेशन चाहे तो आप याद रख सकते हो एंड आपकी जो बुक है सी एन शंकर राव उसमें भी ये चैप्टर गिवन है ठीक है उसमें जो डेफिनेशन है वो भी चाहो आप तो याद रख सकते हो वो डेफिनेशन अब मैंने वो यहाँ पे सारी इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि अननेसेसरी लेक्चर लंबा हो जाता है सोशल चेंज अगर आप समझ गए हो क्या है तो आप थोड़ा बहुत जो है वो डेफिनेशन को समझ पाओगे डेफिनेशन क्या कह रही है तो हम देखते हैं विलबर्ट मूर ने क्या कहा इन्होंने कहा जो ये है आपका सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन होता है स्ट्रक्चर में ओवर टाइम किस में और और चेंज आती है या ऑल्ट्रेशन आती है बिहेवियर पैटर्न में कल्चर में नॉर्म्स एंड वैल्यूज में फॉर एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी क्या था पहले होमोसेक्सुअलिटी लीगल नहीं था ठीक है इसको बहुत बुरा माना जाता था, था सोसाइटी में आज लेकिन इसको एक्सेप्टेंस मिल रही है गेज लेसबिंस इस सारे कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल रही है दैट मीन्स ऑल्ट्रेशन आई है किसी एक स्ट्रक्चर में चाहे वो कल्चर में हो उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज में हो तो यही आपका सोशल चेंज होता है वैसे मैकाइवर एंड पेज ने का सोशल चेंज एक प्रोसेस है रिस्पॉन्सिड टू टू मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस ठीक है इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आती है वो चेंजेस मैन मेड कंडीशन में भी हो सकती है एटीट्यूड बिलीफ वगैरह में तो ये सारी चीजें किससे रिलेट से रिलेटेड है मैकाइवर एंड पेज से सोशल चेंज इज एसेंशियली प्रोसेस ऑफ ऑल्ट्रेशन विद नो रेफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ चेंज अब देखो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ प्रोसेस ऑफ ऑल्टरेशन आप समझ गए जिसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं जैसे कल्चर बिहेवियर नॉर्म्स वैल्यूज में विद नो रेफरेंस टू क्वालिटी ऑफ चेंज अब आप ये बोल रहे हो चेंज हो रहा है ठीक है लेकिन क्या वो चेंज पॉजिटिव है या क्या वो चेंज नेगेटिव है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है सोशल चेंज वर्ड में वो चेंज नेगेटिव भी हो सकती है फॉर एग्जांपल अगर आप लिबरल आइडियोलॉजी के हो लेकिन करंटली 2024 में अगर आप कम्युनल एंगल लेके आ रहे हो बातों में ठीक है आप रिलीजन को लेके डिवाइड करना चाहते हो सोसाइटी को दैट मीन्स लिबरल से आप कहाँ पे कम्युनल ये की तरफ जा रहे हो आप कम्युनल बन रहे हो तो ये भी एक सोशल चेंज हुआ ना क्योंकि सोसाइटी के किसी एक चीज में चेंज आ रही है आपके आउटलुक में चेंज आ रही है सोशल आउटलुक में चेंज आ रही है आपके बिलीफ और एटीट्यूड में चेंज आ रही है क्या ये चेंज पॉजिटिव है या ये चेंज नेगेटिव है तो ये डेफिनेटली नेगेटिव चेंज अगर आप लिबरल से कम्युनल बन रहे हो ठीक है लेकिन ये भी एक टाइप ऑफ सोशल चेंज है दैट मीन पे हम सोशल चेंज बोलते हैं इसका मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि वो है. वो पॉजिटिव चेंज चेंज है है नेगेटिव भी हो सकती है. अगर आज आप में इतनी एक्सेप्टेंस है कि आप हर ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहे हो चाहे वो रिलीजन ग्रुप हो या आपसे डिफरेंट बिलीफ रखने वाला ग्रुप हो या ये अगेन आपके गे मैरिजेस होमोसेक् वाला ग्रुप हो आप उस पर बिलीव करते हो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कल को आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है और आप इन चीजों को एक्सेप्ट करना छोड़ दोगे तो चेंज को पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे ना तो इसी का मतलब है क्वालिटी ऑफ चेंज क्या है वो हमें नहीं पता होता है वो पॉजिटिव भी हो सकती है उसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं उस चेंज को या उसको रिग्रेसिव भी बोल सकते हैं फाइन आगे देखते हैं पॉजिटिव और रिग्रेसिव कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज जो है इनको इंट्रोड्यूस किया था ऑगस्ट कॉमटे ने ऑगस्ट कॉमटे नाम याद रख लेना ये फाउंडिंग फादर है आपके सोशोलॉजी के फाइन लेटर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज इसको फर्दर रिफाइन किया, किया था डेवलप किया था डिफरेंट थिंकर्स ने जिसमें हैब स्पेंसर कार्ल मार्क्स वगैरह अदर सोशलॉजिस्ट ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है नो ह्यूमन सोसाइटी इज स्टार्टिक एंड एट द सेम टाइम इट इज डिफिकल्ट टू द फॉर्म्स एंड इन डायरेक्शन ऑफ द सोशल चेंज कोई भी सोसाइटी स्टार्टिक नहीं है सोसाइटी क्या होती है यूजुअली डायनेमिक तो सोसाइटी में चेंजेस आती रहती है अभी आप पहले ही प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि उस सोसाइटी में जो चेंज आने वाली है वो किस रेट से आएगी वो किस स्पीड से आएगी एंड क्या वो चेंज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी अब हम फीचर्स देखते हैं आगे सोशल चेंज जो है इट इज इफेक्ट ऑफ सर्टन कॉजेजी कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से सोसाइटी चेंज हुई होगी फाइन कोई एक चेंज जो है थोड़ी विजिबल आने लगी होगी सोसाइटी में चाहे वो आपके एक्शन में हो आपके बिलीफ में हो आपकी आइडियोलॉजी में हो तो आहिस्ता आहिस्ता उसका रिजल्ट क्या होगा हम सोशल चेंज देखेंगे फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट जो था पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन कुछ होने लगा आपकी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चली फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ठीक है फिर उसी के आपकी अलग अलग वेव चली फर्स्ट वेव सेकेंड वेव थर्ड वेव फोर्थ वेव मतलब कुछ कॉजेज होने लगे जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या हुआ फाइनली आपको चेंज देखने को मिली सोशल चेंज है मॉडिफाई करता है स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन सोशल फंक्शनिंग को फॉर एग्जाम्पल फैमिली एज अ सोशल स्ट्रक्चर पहले फैमिली में क्या माना जाते थे मैरिज क्या बोलते थे एडल्ट हैं टू ऑपोजिट जेंडर के वो बेसिक डेफिनेशन थी टू एडल्ट ऑफ अपोजिट जेंडर मैरिज में होने चाहिए फैमिली में होने चाहिए लेकिन अब क्या हुआ अब हम होमो या गे मैरिज की बात भी करते हैं जो डेफिनेशन थी पुरानी ये चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं एक सोशल स्ट्रक्चर जो है मैरिज का बना हुआ फैमिली का बना हुआ वो चेंज हो रहा है ठीक है तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनकी फंक्शनिंग सोसाइटी में सब कुछ चेंज हो जाएगी ये मॉडिफाई करेगा लाइफ पैटर्न ऑफ द पीपल लोगों का रहन सहन सब कुछ उनका कल्चर वैल्यू बिलीव ड्रेसिंग ईटिंग हैबिट्स सब कुछ मॉडिफाई हो जाता है चेंज के साथ टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल चेंजेस जो वो है वो डिफरेंट होती सोशल चेंज सब देखो सोशल चेंज आप क्या कह रहे हो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो ना। बोल रहे हो कुछ स्ट्रक्चर चेंज आ गया इंस्टीट्यूशन चेंज हो गया इंटरेक्शन चेंज हो गया लेकिन जब आप कल्चर चेंज की बात करते हो ये एक वाइडर टर्म है कल्चर चेंज में आप टेक्नोलॉजिकल चेंज भी इंक्लूड करते हो आप चेंज ड्यू टू एजुकेशन भी कल्चर में आएगा आर्ट लिटरेचर से क्या फर्क पड़ा वो भी आएगा सिनेमा से क्या चेंज आ रही है वो भी इसमें कल्चर uh, चेंज में आएगा तो आप बोल सकते हो सोशल चेंज दरअसल एक सब पार्ट है आपके कल्चर चेंज का ही ठीक सोशल चेंज इज रिफ्लेक्टेड आपके एटीट्यूड में आपके वैल्यूज में और एंड आपकी वेज ऑफ लिविंग में तो ये चीज मैनिफेस्ट होगी इन फॉर्म्स में ये चीज दिखेगी आपके बिलीफ चेंज होना शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा आप कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सोशल चेंज जो है है, मींस ऐसा नहीं है कि सोशल चेंज हुई और रुक गई ये कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग प्रोसेस है जो आज सोसाइटी है पहले सोसाइटी से काफी डिफरेंट है जो आने वाली सोसाइटी होगी वो हमारी सोसाइटी से काफी डिफरेंट होगी आप एक ही फैमिली में देख लो अपने पेरेंट्स ग्रांड पेरेंट्स की जनरेशन देख लो उनका थॉट प्रोसेस वो सब कितना अलग था फिर पेरेंट्स में चेंज देखने को मिली फिर हमारी जो जनरेशन है हमारे थॉट प्रोसेस में काफी चेंजेस आई अब जो हमारे फर्दर बच्चे होंगे उनकी जेनरेशन होगी उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस होंगी तो एक कॉन्टिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस है ऐसा नहीं है एक बार चेंज हुई और रुक गई चेंज इज टेम्पोरली टाइम स्पेसिफिक चेंज होती है फॉर एग्जाम्पल हम दोबारा जेंडर एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे ठीक है तो कुछ एक सेंचुरी एटीन सेंचुरी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था नाइनटीन सेंचुरी में थोड़ा बहुत इसमें बात होने लगी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वगैरह के थ्रू थोड़ी बहुत बात होने लगी ट्वेंटी सेंचुरी में बिल्कुल ही चेंज आने लगी फिर अगर ईयर में आप डिवाइड करोगे फेजेस में किस फेज में क्या हुआ एक फेज में इसमें इंटरनेट भी जुड़ गया ठीक है तो साइबर चीजें भी वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड चीजें आने लगी जैसे आपका मी टू मूवमेंट है वो सारा किस फैलगा फैला इंटरनेट से फैला तो ये क्या हुआ ये टाइम स्पेसिफिक होता है किसी एक टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आता है दैट मीन स्लोली स्टेप बाय स्टेप पहले एक सेंचुरी में कुछ एक चेंजेस आ रही थी फिर दूसरी सेंचुरी में अलग हुई किसी ईयर में एक अलग चेंजेस हुई फिर ग्रुप ऑफ ईयर में डिफरेंट डिफरेंट सब्सिक्वेंट चेंजेस आती रही तो टाइम कॉन्टेक्स्ट में आती है विद इन सम टाइम रेफरेंस थर्ड वन इज सोशल चेंज एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल इन्वायरमेंटल मीन्स आपकी सराउंडिंग्स इसमें आपकी जोग्रफी भी चेंज हो जाएगी जोग्रफिकल लोकेशन वो भी आपकी एक काइंड ऑफ सोशल चेंज हो रही है सोसाइटी में आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो सोशल मोबिलिटीज को बोला जाता है दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर सोशल चेंज ठीक है यहाँ आपके कल्चरल फैक्टर्स में चेंज आ रही है फाइन तो आपकी जो सराउंडिंग्स है एक्चुअली वो भी सारी चेंज हो रही होती है तो सोशल चेंज इज ह्यूमन चेंज सोशल चेंज आते आते क्या होता है अल्टीमेटली आपको बदल देता है तो आपको ह्यूमन चेंज बोल सकते हो इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स तो काफी फैक्टर्स इसमें जो रोल प्ले करते हैं ऐसा तो नहीं हुआ होना लोग सोए शाम को एक थॉट प्रोसेस के साथ और अगले दिन उठ गए बोला नहीं सोसाइटी चेंज होनी चाहिए ऐसा नहीं होता है जैसे अगर वुमेन की सब्जुकेशन ईयर बाई ईयर हो रही थी चाइल्ड मैरेजेस थे ठीक है चाइल्ड मैरेजेस वाला कॉन्सेप्ट था सती सिस्टम प्रैक्टिस हो रहा था और भी बाकी डोमेस्टिक वायलेंस इतनी ज्यादा थी उनको वैल्यू नहीं दी जाती थी हस्बैंड के वैल्यू में उनको बहुत के कंपैरिजन में उनको बहुत कम वैल्यू किया जाता था तो काफी ज्यादा फैक्टर्स थे इसकी वजह से फाइनली क्या हो गया जब लोग तंग आ गए तो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होने लगी ठीक है फेमिनिज्म की बातें होने लगी तो काफी फैक्टर्स होते हैं जो बैक एंड पे चल रहे होते हैं जिसकी वजह से फाइनली सोशल चेंज है वो आना शुरू हो जाती reaction, है सोशल चेंज में क्रिएट चेन रिएक्शन ठीक है अब ये चेन रिएक्शन कैसे क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल हमने वुमेन लॉज की बात की वुमेन लॉज की बात आई जेंडर इक्वालिटी ये सारी चीजें बा इनकी बात आई तो हमें चेंज देखने को मिली फैमिली में चेंज देखने को मिली ठीक फैमिली में इक्वालिटी की बात आने लगी अब कहीं ना कहीं फादर्स भी रियलाइज करने लगे नहीं वुमेन के कुछ राइट है उनको देने चाहिए वर्क प्लेस में इक्वालिटी की बात आने लगी जैसे मेटर्निटी लीव कितनी होनी चाहिए अब तो मेनस्ट्रेशन के टाइम पे आपको लीव्स मिलनी चाहिए कि नहीं इस बात पे भी डिस्कशन हो रहा है तो बेसिकली चेंज रिएक्शन में ही चल रहा है जो सोशल चेंज वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आया था इट डायरेक्शन ऑफ चेंज किस रेट पे स्पीड पे चेंज आ रही है वो भी वैरी करेगा और डायरेक्शन वैरी करेगी मैंने आपको पहले कहा कि वो प्रोग्रेसिव चेंज होगी या वो रिग्रेसिव चेंज होगी इट मे बी प्लान और अनप्लैंड प्लान हो जो एक ऑर्गेनाइज वे में थोड़ा मूवमेंट्स आप लेके आओ और ऐसा ऐसा कुछ किसी एक फैक्टर में सोसाइटी के चेंज आए अनप्लैंड हो गया अर्थक्एक आ गया फॉर एग्जाम्पल अचानक से फ्लड आ गए तो वो यहाँ आपके सराउंडिंग वाला भी आ गया जोग्रफिकल चेंज आने लगी ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा माइग्रेट करना पड़ेगा माइग्रेशन से क्या होगा आप दूसरी सोसाइटी में जाओगे वहाँ पे आपको रहना है वहाँ नए कल्चर बिलीफ अडॉप्ट करने हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं तो वो भी सारा किसका पार्ट आ जाता है आपकी सोसाइटी का पार्ट ही आ जाता है शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग रन चेंजेस कुछ चेंजेस होते हैं जिनका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलता है लेकिन हो सकता है वो जल्दी फिजल आउट भी करें आज वो चेंज आई आज वो चेंज काफी इंपॉर्टेंट होगी दस साल बाद या पांच साल बाद हो सकता है उस चेंज की कोई बात भी ना करे तो वो आपकी शॉर्ट वर्सेज शॉर्ट चेंजेस होती है लॉन्ग रन होता है जिनका टाइम देखने में काफी जिनका रिजल्ट देखने में हमें काफी टाइम लगता है सोशल चेंज है वो ऑब्जेक्टिव टर्म है देखो आप जब सोशल सोशल चेंज को पढ़ते हैं ना तो वो ये नहीं बोलते सोशल चेंज ये वाली जो सोसाइटी में आई क्या वो अच्छी है या वो बुरी है वो तो हम बोलते हैं ना सोशोलॉजिस्ट ये नहीं बोलते वो बस आपको बोलते हैं सोशल चेंज हो रही है तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव टर्म है दैट मीन्स उनके लिए न्यूट्रल है सोशल चेंज उनके लिए न्यूट्रल है वो उसमें अपनी कोई वैल्यूज नहीं पुट करते कि हाँ ये फॉलोइंग सोशल चेंज जो है उस सोसाइटी की अच्छी है फॉलोइंग जो है वो बुरी है वो हम एनालाइज करते हैं सोशोलॉजिस्ट हमें बस बोलते हैं सोशल चेंज हो रही है इसीलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव टर्म है ये एक न्यूट्रल टर्म है वैल्यू न्यूट्रल टर्म है आगे देखते एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज दे कैन बी फ्रॉम विद इन द सोसाइटी एंडोजिनस ऑर्थोजेनेटिक एंड एक्सटर्नल सोर्सेज एक्जोजेनस एंड हेटीरोजेनेटिक तो चेंजेस हमारे पास दो टाइप की होती हैं अगर वो इनसाइड फोर्सेज की वजह से हों जैसे स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट हुआ सोसाइटी में सोसाइटी की अपनी वजह से जो आइडियल्स हैं सोसाइटी के और एक्चुअली में जो हो रहा है फॉर एक्जाम्पल आइडियल्स हैं आपकी सोसाइटी के इक्वालिटी के लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है मेल फीमेल के बीच में इक्वालिटी कंसिडर नहीं की जाती है एक्चुअल रियालिटी है तो इन सब चीजों से क्या होगा कोई स्ट्रेन हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे पॉलिटिकल रूल की वजह से कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं सोसाइटी में तो ये सारी चेंजेस होती है एंडोजिनस चेंजेस जिसको बोलते हैं हम चेंजेस ड्यू टू इंटरनल कॉजेज इसके दो नाम याद रख लेना एक्सटर्नल कॉज होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर ठीक है वो किसी के हाथ में नहीं है बाढ़ आ गई भूचाल आ गई जैसे मैंने अभी कहा या कहीं वॉर हो गए इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा फैल गई इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हमें फिर सेपरेटली पढ़ना है इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन की वजह से कैसे चेंजेस आ गई या ग्लोबलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से वो आपके सारे कौन से फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स तो बेसिकली जो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का वो क्या है जो एक्सटर्नल कॉज हैं चेंजेस के उनको हमें डिस्कस करना है और एक आपका चेंज तो कैसे आ जाती है जब कल्चर डिफ्यूज होता है फॉर एग्जाम्पल आप ए विलेज में रहते हो विज नंबर ए और कोई विलेज नंबर सी में रहता है ठीक है अब आपका कोई कल्चर है आप हर थर्ड डे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो जिसमें आपको पर्टिकुलर प्रेयर्स वगैरह परफॉर्म करते हो कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हो जो विलेज सी है वो भी आ, ऐसा कुछ करने लगे हैं कि थर्ड डे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे उसमें कुछ प्रेयर्स वगैरह ऑफर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपका कल्चर था तो कुछ टाइम के बाद देख रहे हो आप देख रहे हो कि ये जो कल्चर है ये डिफ्यूज होके विलेज नंबर सी में भी पहुंच गया है तो ऐसे क्या होगा विलेज नंबर सी में कोई चेंज आने लगेगी तो यही होता है आपका डिफ्यूजनिस्ट वाला पर्सपेक्टिव कि जो एलिमेंट्स ऑफ कुछ कल्चर हैं वो स्प्रेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में एक ग्रुप से दूसरी ग्रुप में उसको हम कल्चर डिफ्यूजन भी बोलते हैं लोगों में कैपेबिलिटी होती है इन्वेंशन करने की लोग नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं उन्हीं चीजों की वजह से सोशल चेंज आ जाती है तो सोशोलॉजी के या सोसाइटी के आस्पेक्ट में हम इसको कैसे देखेंगे इट रेफर्स टू द रीअरेंजमेंट ऑफ नोन ट्रेड्स इन टू न्यू पैटर्न और कन्फिग्रेशन ठीक है यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट ऑफ नोन ट्रेड्स दैट मीन किसी एक चीज को लेके अगर आपको पता है कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस चीज़ के वो ऐसे हैं कुछ टाइम के बाद उसमें क्या आएगा रीअरेंजमेंट आएगा और एक नया पैटर्न डेवलप होगा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ फॉर एग्जाम्पल फैमिली है फैमिली में हमें पता है फादर का एक रोल होता है उनको एक तरीके से बिहेव करना होता है फाइन आपकी जो मदर है उनका एक रोल होता है वो एक तरीके से बिहेव करते हैं ब्रदर का अलग होता है सिस्टर का अलग होता है ग्रैंड पेरेंट्स का अलग होता है अब क्या होगा ओवर टाइम ये चीजें इवॉल्व होने लगी चेंज होने लगी पहले जैसे ब्रदर और सिस्टर में थोड़ा डिफरेंस होता था लड़कों को ज्यादा पढ़ाई के पे दिया जाता था फोकस लड़कियों की पढ़ाई पे गर्ल एजुकेशन पे फोकस नहीं था लड़कों की हेल्थ पे ज्यादा फोकस किया जाता था लड़कियों की हेल्थ पे नहीं किया जाता था तो विद टाइम ओवर सम ईयर्स क्या हो गया लोगों ने ही इसमें चेंजेस लाना शुरू कर दिया एंड अब जो है ब्रदर सिस्टर में कहीं ना कहीं काफी हद तक इक्वालिटी आने लगी तो जो नॉन ट्रेड्स थे भाई और सिस्टर का बिहेवियर उनका रिलेशन सारी नोन चीजें हैं ना इनकी लेकिन रीअरेंजमेंट हो गई अब नए पैटर्न डेवलप हो गए जहां पर इक्वालिटी की बात है या दूसरा देख लो वर्क प्लेस की अगर हम बात करें वर्क प्लेस में एक काम करने का एक तरीका होता है वो नॉन ट्रेट हो गया उसका कि वो ऐसे काम करेगी अब उसमें कोविड के बाद क्या हो गया एक रीअरेंजमेंट हो गई रीअरेंजमेंट में क्या हो गया वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट आ गया अब हर कोई वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहा है ठीक है तो ये क्या हो गया दरअसल जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है जो एक नोन चीज है हमें पता है एक काम करना है आप ऑफिस जा रहे हो आपको कोई काम करना है उसमें अब आपने रीऑर्गेनाइजेशन किया उसमें आपने नई चीजें रीअरेंज की अब आप कह रहे हो काम में करूंगा लेकिन घर से करूंगा तो एक सोशल चेंज आपको देखने को मिलेगी तो इन्होंने क्या कहा था या तो डिफ्यूजनस स्कूल ऑफ थॉट डिफ्यूज हो जाता है कल्चर वैसे करके चेंज आती है या तो इन्वेंशन इससे होता है कि जो नोन ट्रेड्स होते हैं वो न्यू पैटर्न या कन्फिगरेशन में डेवलप होते हैं ठीक है तो ये आपका रहा सोशल चेंज का नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थियोरीज डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस आई हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है टिल द टाइम है अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे